अभी अभी हमने देखा कि हम साइन 2x को 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, 0 से पाई बाई 4 इसकी लिमिट है साइन x प्लस कॉस x अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x। अब यहाँ पर जो ये साइन 2x दिख रहा है, इस साइन 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस ब्रैकेट में साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। इसको लिखने के बाद ये जो 16 है, इस 16 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 16 का 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 16 आएगा, और 16 का जब इसके साथ होगा तो 16 बाहर में रखना है, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। तब तक ये 9 प्लस 16 आपस में ऐड होकर 25 बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर जो है हमारा बन चुका है 25 माइनस 16 साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन x माइनस कॉस x जो है, इस साइन x माइनस कॉस x को हम टी लेट कर लेते हैं। टी लेट करने के बाद जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x, ये माइनस का साइन वैसे ही है, कॉस x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन x, और t का डिफ्रेंशिएशन dt अपॉन dx, क्योंकि ये अभी भी x के रिस्पेक्ट में चल रहा था। ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलकर प्लस बन गए, और ये नीचे का dx जो है जब इधर शिफ्ट हो गया तो हमारे पास आ गया साइन x प्लस कॉस x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ध्यान से देखिए, हमारा न्यूमरेटर में साइन x प्लस कॉस x इंटू dx है, इस पूरे की जगह पर क्या आ सकता है, dt आ जाएगा। अब चूंकि t लेट किया है तो लिमिट भी चेंज करना है, लोअर लिमिट से लोअर लिमिट निकलेगी और अपर लिमिट से अपर लिमिट निकलेगा। लोअर लिमिट में हमारे पास जीरो था, तो जब हमने x की जगह जीरो लिया तो जिसको हमने t लेट किया है उसी रिलेशन से हमें लिमिट भी चेंज करनी रहती है। तो x की जगह पर दोनों जगह पहले हमने जीरो पुट किया, साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, लेकिन इसके सामने माइनस है तो t की वैल्यू आ गई माइनस वन, और अपर लिमिट में पाई बाई फोर था तो जब हमने x की जगह पाई बाई फोर रखा तो यहाँ पर भी पाई बाई फोर रखेंगे और यहाँ पर भी पाई बाई फोर रखना है। साइन पाई बाई फोर माइनस कॉस पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर की वैल्यू वन बाई रूट टू, कॉस पाई बाई फोर की भी वैल्यू वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू, फाइनली हमारा t इज इक्वल टू जीरो आ गया। हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो था 0 से पाई बाई 4 साइन x प्लस कॉस x अपॉन 25 माइनस 16 ब्रैकेट में साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। इस साइन x माइनस कॉस x को हमने t लेट किया था तो ये t का स्क्वायर बनेगा, और ये साइन x प्लस कॉस x और dx जो है ये हमारा dt में चेंज हो गया, और लिमिट जो 0 से पाई बाई 4 की थी वो हमारा माइनस 1 से 0 में चेंज हो गया। यहाँ तक तो बात हो गया कि ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करते समय ध्यान इस बात का रखें कि सब चीज बदलता है। पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था वो अब t के रिस्पेक्ट में हो गया, पूरा का पूरा फंक्शन हमारा t में चेंज हो गया, लिमिट भी t के हिसाब से चेंज हो गई। अब इसे बस हमें इंटीग्रेट करना है। हमारा इंटीग्रेशन माइनस वन से जीरो, वन बाई 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या किया, 16 को कॉमन लिया, 16 कॉमन लेंगे तो बाहर में 1 बाई 16 नज़र आया, ये 25 बाई 16 हो गया। 25 बाई 16 को और कुछ नहीं 5 बाई 4 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, बाहर में हमारा 1 बाई 16 वैसे ही है। अब यहाँ सोचिए, सम स्पेशल इंटीग्रल्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 बाई 2 ए, बाहर का 1 बाई 16 हमारा वैसे ही है। ये 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1 बाई 2 ए, ए की जगह पर हमारा 5 बाई 4, लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होता है। ए की जगह हमारा 5 बाई 4 है, एक्स की जगह तो टी है, हमने पुट कर दिया। अब यहाँ सोचिए, ये 2 से ये 4 जब कैंसिल होगा तो यहाँ 2 आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 बाई 5 बनेगा, ये लॉग, तब तक यहाँ जरा एलसीएम लीजिए, 5 प्लस 4 टी अपॉन का 4, और यहाँ नीचे 5 माइनस 4 टी अपॉन का 4, दोनों अपॉन के 4 कैंसिल हो जाएंगे,
5 प्लस 40 अपॉन 5 माइनस 40 बचेगा। अब इसमें लिमिट पुट करना है, तब तक इस 2 से 16 को आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ 8 आएगा, 8 5 जब 40 हो गया। अब इसमें लिमिट पुट करना है, लिमिट के नाम पर पहले हम 0 पुट करेंगे, 0 दोनों जगह पुट कर दिया। अब लिमिट के नाम पर माइनस 1 है पुट करना, माइनस करके हमने लोअर लिमिट पुट किया। अब सोचिए ये और ये तो मिलकर 0 हो गए, तो बचेगा log 5 अपॉन 5 माइनस, ये log वैसे का वैसे ही, जरा इसे सॉल्व करिए, 4 इंटू माइनस 1 माइनस का 4, 5 माइनस 4 अपने आप में 1, और ये माइनस और माइनस प्लस, 4 और 5 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये जब कैंसिल होगा तो 1 होगा, ये चूंकि डिवाइड का केस है तो log 1 माइनस log 9 आएगा। ब्रैकेट अगर आप ओपन करेंगे तो माइनस log 1 बनेगा, माइनस log 1 और ये प्लस का log 1 यहीं पर एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, माइनस log 9 बचेगा। नहीं, ये माइनस जब इसके साथ लगेगा तो ये वापस से प्लस बनेगा, यानी log 9 हमारे पास बचा है और सामने में 1/40 था। log 9 को हम 9 को 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये 2 जो है सामने आ जाएगा, सामने आके 2/40 बनेगा, ये वापस से कैंसिल होकर हमारा 1/20 बनेगा, नीचे में 20 और ये log 3 हमारा वैसे ही, यही है हमारा इसका फाइनल आंसर।